सिंध काबीना ने 20 इजला को आफत ज़दा करार दे दिया। सुई सदर्न गैस को पाइपलाइन के लिए जमीन देने का फैसला कर लिया। सूबे को RLNG नहीं चाहिए, कुदरती गैस ही दी जाए। महकमा बल्दियात के लिए फंड्स देने और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट एक्ट की मंजूरी दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत होने वाले सिंध काबीना के इजलास में अहम तरीन फैसले किए गए। सुई सदरन कंपनी ने मलीर, जामशोरो और ठट्ठा में जमीन अलॉट करने की दरखास्त की थी। काबीना अराकीन का कहना था कि सूबे को RLNG नहीं चाहिए, सिंध को सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस ही दी जाए। इजलास में 20 अजला को आफत जदा करार देने की पोस्ट फैक्टिव मंजूरी भी दी गयी। काबीना ने 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान गंदम की कीमतें जारी करने का ऐलान किया। काबीना इजलास में 253 पुलिस स्टेशन को तफ्तीश के लिए फीका 1 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई। इससे कबल इन्वेस्टिगेशन के लिए रकम पुलिस वाले खुद खर्च करके क्लेम करते थे। काबीना ने इन्वेस्टिगेशन के लिए फंड्स पहले देने की मंजूरी दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में शहीद और जख्मी होने वालों के लिए काबीना ने 1,35,00,000 रुपए मुआवजे की मंजूरी दी। शहीद होने वाले खानदान के एक फर्द को नौकरी भी दी जाएगी। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 7 एहलकारों के लिए 5,50,000 रुपए इनाम की मंजूरी भी दी गयी। महकमा बल्दियात की जानिब से 9 करोड़ रुपए से जायद की रकम की दरखास्त भी काबीना ने मंजूर कर ली। रकम से कराची सर्कुलर रेलवे की अलाइनमेंट करके सेवरेज सिस्टम के फ्लो में तब्दीली की जाएगी।